हेलो गाइस, मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी बता देती हूँ। एक्सेप्ट कर रहे हैं लव फ्रीक्वेंसी को, एक्सेप्ट कर रहे हैं अनकंडीशनल बाउंडलेस फ्रीक्वेंसी को, लव को। थ्रोट चक्रा जो है वो मर्ज हुआ है हार्ट चक्रा के साथ, तो कम्प्लीटली एक नीड बेस, लव बेस, सेल्फ टॉक आया है, सेल्फ कम्युनिकेशन अपने ही अंदर महसूस कर रहे हैं। कामनेस जो है वो ग्राउंडिंग हुई है, परमानेंट अवेकनिंग हुई है इस बार, परमानेंट एंड हार्मोनियस स्टेबिलिटी। इट मीन्स कंप्लीटली एक न्यू यूनिवर्स, न्यू टाइमलाइन, न्यू डायमेंशन में शिफ्ट हुए हैं, कंप्लीटली परमानेंटली एंड हार्मोनियस वाला। प्रेजेंट काम एनर्जी जो है वो वाली कॉन्शियसनेस फ्लो हो रही है, काम एनर्जी, काम रिलैक्स्ड, ड्रीम सिंक हो रहा है। ट्रस्ट करें प्रेजेंट मोमेंट को, फील अबंडेंस एनर्जी, फीलिंग्स शिफ्ट हुई है। प्रेजेंट यूनिवर्स में आए हो आप लोग तो कम्प्लीटली फीलिंग्स जो है वो लव फ्रीक्वेंसी जो है वो शिफ्ट हुई है प्रेजेंट यूनिवर्स में। प्रेजेंट मोमेंट और स्पंटेनिटी जो है वो सिंक हुआ है, तो एक्टिव रहिए अपने लिए, बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट को फील करें। मैस्कुलिन मिशन ग्राउंडिंग कर रहे हैं, फील द पॉसिबिलिटीज, प्रेजेंट पर्सपेक्टिव जो है वो नेचुरल है, तो ऑब्वियसली उनका प्रेजेंट जो है वो एक्टिव हो रहा है, वो डेस्टिनी है। बॉडी और सोल सिंक में आया है, तो हर एक दिन जो है वो इटर्नल है, न्यू है, एंड वो डेस्टिनी नहीं है, प्रेजेंट डेस्टिनी है, पर रोज प्रेजेंट है, तो इट्स इटर्नल। मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिव हैं अपने ही फेमिनाइन के लिए, फेमिनाइन एनर्जी के लिए। मैस्कुलिन जो है वो सेल्फ एक्टिव में आए हैं, वो उनकी प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी है। मिशन एक्टिवेट हुआ है, सेल्फ मिशन, अगेन मैं सेल्फ की बात कर रही हूँ यहाँ पे। चक्रास जो है कम्प्लीटली बैलेंस हुआ है, तो अनटच्ड बिहेवियर आ रहा है, मतलब ऑर्गेनिक प्योर, प्योरेस्ट इंटेंशंस, प्योरेस्ट बिहेवियर, प्योरेस्ट कम्युनिकेशन, ऑर्गेनिक कम्युनिकेशन, ऑर्गेनिक बिहेवियर्स। इनर कामनेस आई है, जो कि प्रूव करता है कि आप खुद पे कितना ट्रस्ट करते हो, सेल्फ ट्रस्ट। हमेशा कामनेस जो है वो सेल्फ ट्रस्ट को प्रूव करता है। आपका सोलर और सैक्रल मोर जो है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू कम्युनिकेशन है, तो खुद के साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया हो रही है। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी जो है, खुद के साथ जो सेल्फ एनर्जी को, सेल्फ फ्रीक्वेंसी को समझना और उसको बैलेंस करना, उसको एक्टिव रखना, बहुत खूबी से आपको आ चुका है, अंडरस्टैंड कर रहे हो उसको, उसमें मास्टर हो चुके हो, बहुत ही ब्यूटीफुली उसको हैंडल कर पा रहे हो, उसको होल्ड कर पा रहे हो, उसको उसके साथ फ्लो हो रहे हो। तो आपका सन हार्ट चक्रा जो है वो एक्टिव हुआ है प्रेजेंट मोमेंट में। सेल्फ बैलेंस जो है वो इंटेंशन है आपकी, कंप्लीट सेल्फ लव इंटेंशन है, इस बात को याद रखें। मैस्कुलिन्स जो है उनके इथरिक विंग्स आए हैं, जो कि स्टार गेट पोर्टल, यूनियन पोर्टल भी बोलते हैं इसको, इस फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक हुए हो आप दोनों ही। क्रिएटर जो है वो प्रेजेंट, आप क्रिएटर हो प्रेजेंट मोमेंट का, आप क्रिएटर हो प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी का, आप यू आर द क्रिएटर हियर, तो बहुत ही खूबी से उसको, उस पर फ्लो हो जाइए, क्योंकि फ्लो जो होता है हमेशा इटर्नल होता है, उसका कोई डेस्टिनी नहीं होता। प्रेजेंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, मेन पॉइंट, और यहाँ से आप फ्लो होते हुए इटर्नल जाएंगे। अवतार बॉडी एक्टिवेट हुआ है, तो न्यू यूनिवर्स में शिफ्ट हुए हो, न्यू एनर्जी फ्लो हो रही है, अनटच्ड, वर्जिन, हॉली, प्योर कम्युनिकेशन है, प्योरेस्ट खुद के साथ, सेल्फ के साथ। सेल्फ बिहेवियर जो है वो प्रेजेंट के साथ सिंक हुआ है, एक्टिव हुआ है।
सेल्फ एक्टिव हुआ है, सेल्फ सिंकिंग हुई है और सेल्फ बैलेंस हुआ है। मैं यहाँ पे हमेशा सेल्फ की बात करती हूँ क्योंकि आप खुद ही एक यूनिवर्स हो। फ्लोइंग इज इनर लिसनिंग। जब आप फ्लो करते हो तो वो एक तरह का सोल को लिसन करना होता है, श्लोक को सुनना होता है। यूनियन कॉन्शियसनेस आई है कम्प्लीटली, क्रिएट आर्ट और अपने ही आर्ट को से प्यार भी करें। अपने ही बैलेंस, सेल्फ बैलेंस एक्टिव हुआ है सेल्फ फ्रीक्वेंसी के साथ। सेल्फ फ्रीक्वेंसी के साथ जब आप सिंक होते हो तो वो चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली स्प्रेड होती है। लव इज़ अ न्यूट्रल एनर्जी, हमेशा याद रखें। सेल्फ कमिटमेंट आई है, सेल्फ बिहेवियर जो है, सेल्फ बिलीव्स जो है वो आपका सोल सिग्नेचर है। याद रखें, न्यू सेल्फ बिलीव्स की बात कर रही हूँ मैं, वो आपका सोल सिग्नेचर है, उसको पकड़ के चलें। प्रेजेंट इनर कामनेस जो है वो लिब्रेशन है, तो इनर कामनेस में आ जाएं, कंप्लीट लिब्रेशन मोड में आ जाएं। आपकी हॉली बॉडी, वर्जिन बॉडी या प्योर बॉडी या ऑर्गेनिक बॉडी या अवतार बॉडी जो भी बोल लो, वो एक्टिव हुई है, वो ग्राउंडिंग हुई है, तो उसको सेलिब्रेट करें। ऑर्गेनिक प्योर इंटेंशंस, हॉली इंटेंशंस एक्टिव हुए हैं जिसकी वजह से। ये मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी है, प्रेजेंट एनर्जी। मैं आज आपको गाइडेंस दे देती हूँ। लिविंग डिसेंडेंट, हम लोग लिविंग डिसेंडेंट हैं, जो जितने भी स्टार सीड्स या डिवाइन फेमनाइंस, डिवाइन मैस्कुलिन्स, सैक्रेड मैस्कुलिन्स, हम डिवाइन सोल्स, लाइट वर्कर्स जो हैं वो लिविंग डिसेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग, लिविंग का क्या मतलब है? लिविंग मीन्स क्या? लिविंग का कोई डेस्टिनी नहीं होता, वो प्रेजेंट में शुरू होता है। हमारा जो बिग बैंग, मैं भी इसको बिग बैंग बोलूँगी, प्रेजेंट को, प्रेजेंट बिग बैंग है हमारे लिए। बिग बैंग में से आप लिविंग, जब आप शुरू करते हो प्रेजेंट में जीना, प्रेजेंट में, तो कम्प्लीटली आप एक इटर्नल, इसका कोई डेस्टिनी नहीं होता। प्रेजेंट जो है वो डेस्टिनी है, बिग बैंग जो है वो डेस्टिनी है। वहाँ पे अगर आप आ गए, वहाँ से शुरू कर रहे हो, वो उस डेस्टिनी से आप शुरू कर रहे हो, वहाँ रीच नहीं करना, वहाँ से आपको शुरू करना है। शुरू करके आप जिस तरह से जर्नी को, प्रेजेंट को इटर्नल समझ के चलोगे, प्रेजेंट जो होता है वो इटर्नल होता है। प्रेजेंट जो है वो होता है जो कम्प्लीटली एक पैरेलल यूनिवर्स, प्रेजेंट यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से जब आप स्ट्रेट जाते हो, रोज़ एक नया दिन, नया हैप्पीनेस, क्योंकि कोई भी चीज़ डेस्टिनी नहीं है, ये डेस्टिनी था, यहाँ पे आप रीच हो चुके हो, यहाँ से इटर्नल लाइफ की तरफ आप जा रहे हो। इसको लिविंग डिसेंडेंट बोलते हैं, रोज़ जीते हैं, रोज़ लिविंग, डेली प्रेजेंट में जीते हैं, तो ये इटर्नल हो जाता है। इसका कोई एंडिंग नहीं है, हैप्पीनेस का कोई एंडिंग नहीं है। रोज़ एक नया दिन है, नई दिन की शुरुआत होती है। आप एक डिवाइन डिविनिटी पाले, तो जब आप प्रेजेंट में रहते हो तो यहाँ पे हेवन आपके अराउंडिंग बहुत ब्यूटीफुली, आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिवाइन के साथ, डिवाइन सोर्स के साथ मर्ज हो जाती है। तो आप एक लिविंग डिसेंडेंट कम्प्लीटली, एक प्रेजेंट को आप जब बिग बैंग की तरह लेकर चलते हो, यहाँ से कोई डेस्टिनी ही नहीं है, लाइफ लॉन्ग ये चलता रहेगा। एंड आपका जो थॉट्स है वो ब्लैक होल लूप है जिसमें आपको कभी नहीं जाना। सिर्फ सेल्फ लव, सेल्फ कम्युनिकेशन, सेल्फ बिहेवियर, सेल्फ डिविनिटी, सेल्फ हॉलीनेस, सेल्फ वर्जिनिटी, सेल्फ, क्योंकि अभी आपका जो प्रेजेंट में जब आते हो कम्प्लीटली, आपका जो बिलीव है वो आपका सोल सिग्नेचर है। तो आप जितना अपने सोल सिग्नेचर पे ट्रस्ट रख के चलते हो, उतना ही आप लव फ्रीक्वेंसी को ट्यून इन कर पाते हो, पकड़ पाते हो 5D कॉन्शियसनेस को, जो कि प्रेजेंट कॉन्शियसनेस होती है, प्रेजेंट यूनिवर्स होती है।
तो ये प्रेजेंट जो है वो रोज ही होता है प्रेजेंट, इसका कोई एंडिंग नहीं, कोई डेस्टिनी नहीं है, ये रोज ही आप, ये हैप्पीनेस जो है ये डेस्टिनी नहीं है, हैप्पीनेस जो है वो रोज फ्लो होती है, कामनेस जो है रोज फ्लो होती है, सेटिस्फैक्शन रोज फ्लो होती है, यूनियन रोज रोज होती है, यूनियन एक दिन हो गया ऐसा नहीं, रोज रोज यूनियन होती है, इटर्नल रोज। तो आप जब प्रेजेंट में रहते हो तो आपके अराउंड डिविनिटी रहती है, डिवाइन रहते हैं, जहाँ पे एंजल्स रहते हैं, जहाँ पे फेरीज रहते हैं, जहाँ पे गॉड रहते हैं, जहाँ पे लव फ्रीक्वेंसी रहते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ आप बहुत ही ब्यूटीफुली सिंक कर लेते हो, ट्यून इन कर लेते हो अपनी एनर्जी को, और उसके साथ फ्लो होते हो, उसके साथ एक्टिव रहते हो, आपके जो बॉडी है वो भी कम्प्लीटली एक डिवाइन के साथ मोज होकर, आपकी बिहेवियर कम्युनिकेशन बैलेंस हो जाता है, आपके चक्रास बैलेंस हो जाता है, और सिर्फ लव फ्रीक्वेंसी ही है जो इन चीज़ों को न्यूट्रल करता है और बैलेंस करता है। तो सेल्फ में सेल्फ के साथ आप जब इस टाइमलाइन में शिफ्ट होते हो, प्रेजेंट टाइमलाइन में, प्रेजेंट डायमेंशन में, प्रेजेंट यूनिवर्स में जब आप शिफ्ट होते हो, तो आपकी बहुत बड़ा आपके अंदर कामनेस और स्टेबिलिटी आ जाती है, जो कि परमानेंट और हारमोनियस होती है। तो मैं इसको इसीलिए मैं कभी भी हीलिंग या इनर वर्क पे ज़्यादा फेथ नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे लगता है कि हम लोग वी आर द क्रिएटर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये बहुत खूबसूरती से आप इन चीज़ों को पकड़ के क्रिएट करिए, फ्लो करिए और एंजॉय करिए। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।